ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में जीडीपी की ग्रोथ किसी तिमाही में 5.7% तक पहुंची है। क्या पहली बार हुआ है? क्या पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। मैं आज जीएसटी के संबंध में भी कहना चाहता हूं, 3 महीने हुए, 3 महीने के बाद क्या हो रहा है क्या नहीं, हर चीज को हमने भली भांति देखा है, बारीक से बारीक चीजों के फीडबैक लिए हैं। और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लकीर के फकीर नहीं है और हम कभी ये दावा नहीं करते सब ज्ञान हमको ही है, लेकिन सही दिशा में जाने का प्रयास है। जहां कहीं रुकावटें हैं, 3 महीने में जो अनुभव आया है उसके आधार पर आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा, सुधार करना होगा, ये सरकार आपके साथ है। डीमोनेटाइजेशन का फैसला लेने की हिम्मत भी इसी सरकार ने दिखाई। भाई और बहनों, इस सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने के लिए काम किया है। ये सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो अब 9% आ गया है, 9% आ गया है। कुछ लोगों को निराशा फैलाने में बड़ा आनंद आता है, अद्भुत आनंद, उनको रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और ऐसे लोगों के लिए आजकल 1 क्वार्टर की ग्रोथ कम होना जैसे सबसे बड़ा खुराक मिल गया है। साल 2012-13 और हमारी सरकार और उनके 13-14 देखें तो औसत वृद्धि 6% के आसपास थी। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अपने 2 ही साल क्यों लिए, क्योंकि आजकल शल्यवृत्ति कुछ भी काम कर सकती है। दो साल का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस सरकार के 3 साल और पिछली सरकार के आखिरी के 2 सालों में जीडीपी डाटा तय करने का तरीका एक ही रहा है, इंस्टीट्यूशन सेम, प्रोसेस सेम, और इसलिए तुलना करना स्वाभाविक सरल होता है। इस वर्ष अप्रैल जून की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में कमी दर्ज की गई है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि सरकार इस ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्षमतावान है, हम फैसले लेने के लिए तैयार है। 92 के बाद लिबरलाइजेशन का कालखंड शुरू हुआ, अगर मैं उसको एक आधार मानूं तो क्या स्थिति है उसका हिसाब देखिए। लिबरलाइजेशन से लेकर के 2014 तक और 2014 से 17 तक क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अब तक के टोटल विदेशी पूंजी निवेश का 75% सिर्फ इस 3 साल में।